आय लव यू। निया प्रेम मरून नहीं करून दाखवे। दोस्तों साल 2022 के एक और धमाकेदार मराठी लव स्टोरी फिल्म जिसकी स्टोरी ने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म फतवा के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिन पूरे कर लिए। दोस्तों आज इस फिल्म का 4th दिन। तो दोस्तों अगर आप भी एक्टर प्रतीक गौतम के बहुत बड़े फैन है और उनकी फिल्म फतवा को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं फिल्म के शुरुआती 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें फिल्म फतवा को डायरेक्टर प्रतीक गौतम के डायरेक्शन में बनाया गया, जिसके लीड रोल में आपको प्रतीक गौतम के साथ श्रद्धा भगत दिखाई दे रही हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 ही दिनों में लगभग 1,45,00,000 की कमाई दुनिया भर से कर ली। और दोस्तों आज इस फिल्म का 4th दिन। और दोस्तों आपको बता दें कि ऑडियंस से मिल रहे धमाकेदार रिव्यूज के बाद आज के दिन भी ये फिल्म लगभग 40,00,000 की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 4 दिनों का कलेक्शन लगभग 1,95,00,000 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 3 से 5 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म अपना बजट निकाल के हिट फिल्म बन सकती है? और दोस्तों आपको क्या लगता है, इस फिल्म के स्क्रीन काउंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? और अगर इस फिल्म के स्क्रीन काउंट को बढ़ाया गया तो ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।